जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। खबर आपको बता दें, मेलबर्न में भारत जीत गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि यह ऐतिहासिक जीत इसे बताई जा रही है। 8 विकेट से यह जीत गया है। 4 मैच की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है और बताया जा रहा था कि इस जीत को अगर हम कहें तो गेंदबाजों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका बताई जा रही है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन बनाए थे, हालांकि दूसरी पारी चरमरा गई थी ऑस्ट्रेलिया की और ये मेलबर्न टेस्ट भारत के नाम रहा। तो 4 मैच की सीरीज है, 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं, 1-1 से फिलहाल बराबरी पर है, क्योंकि भारत एडिलेड हारने के बाद मेलबर्न में जबरदस्त वापसी करने के बाद इस टेस्ट मैच को जीत गया है। 70 रन बनाने थे भारत को और अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल, ये दोनों एंड तक नॉट आउट रहे। भारत ने 2 विकेट जरूर गवाई आज पुजारा और मयंक अग्रवाल, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह भारत ने ये कमबैक किया है, सीरीज ना सिर्फ खुल गई है बल्कि भारत के फैंस और भारत की टीम जीत की उम्मीद भी कर रहे होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी लचर बल्लेबाजी की है। आज उनके पुछले बल्लेबाजों ने थोड़ा सा लड़ने का जज्बा दिखाया, लेकिन लड़ाई में वो इतना पीछे थे कि 200 रन बनाकर भी उन्होंने भारत को सिर्फ 70 रन का टारगेट दिया। और ये है आपकी जीत के हीरो, सबसे बड़े हीरो जाहिर तौर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने न सिर्फ 100 बनाए अपने बल्ले से बल्कि टीम को जिस तरह से लीड किया। अश्विन, जडेजा, बुमराह, मोहम्मद सिराज जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, मदन जी भी आ गए हैं मेरे साथ। मदन जी, सुबह सुबह आपने कहा था कि सुबह सुबह ही होगा और ये शायद भारत की इतिहास की सबसे बड़ी जीत में से एक होगा। हम 2001 कोलकाता टेस्ट मैच की बात करते हैं, लेकिन 36 ऑल आउट होने के बाद विराट कोहली ना हो, रोहित शर्मा ना हो, ईशांत शर्मा ना हो, मोहम्मद शमी ना हो, उमेश को चोट लग जाए और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से हराना। बिल्कुल विक्रांत, ये बिल्कुल ऐतिहासिक जीत है और आई भी बड़े अच्छे समय पे है, क्योंकि साल का एंड भी हो रहा है और एक ये ऐसी जीत है जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो क्रिकेट के दर्शक है वो जरूर इसको इसको याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने जैसे वापसी की है भारतीय टीम ने, एक मैं समझता हूँ कि एक लाजवाब वापसी की है, क्योंकि देखिए ऐसे वापसियां बहुत कम होती हैं, क्योंकि जब आप आपका जब परफॉर्मेंस है पहले टेस्ट में इतना अच्छा नहीं, फिर उसके बाद जब उन्होंने अपना करेक्टर दिखाया भारतीय बल्लेबाजों ने, वो सबसे बड़ी बात है। और ये ऐसी बड़ी जीत जब तब होती है जब आपकी टीम मिलकर परफॉर्म करती है, और हमारी टीम ने जितने भी देखिए जो भी टास्क दिया गया था बॉलर्स को उन्होंने बिल्कुल एग्जीक्यूट किया प्लानिंग को, और जो बल्लेबाज थे उन्होंने जो गलतियां थी लास्ट टेस्ट मैच में की उन्होंने उसको सुधार कर उन्होंने बैटिंग की। पर ये यही दर्शाता है कि भारतीय टीम जो है टेस्ट क्रिकेट भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुकी हुई है और करेक्टर चेंज हुआ है भारतीय क्रिकेट टीम का। ये जब वापसी करते हैं ना, ये कहते हैं, ये दर्शाता है कि आप मेंटली भारतीय टीम कितनी स्ट्रांग हो चुकी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक जीत है और क्रेडिट सारी टीम को जाता है, पर ये है कि एक अजिंक्य रहाणे ने जो पारी खेली है, मैं समझता हूँ कि ये पारी बहुत बहुत दिनों तक ये पारी जो है अजिंक्य रहाणे की याद रहेगी। सही बात है, हम हमेशा 2001 कोलकाता टेस्ट मैच की बात करते हैं, तब भी ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में मुंबई में भारत को हराया था, कोलकाता में आपको फॉलो ऑन भी हो गया था, उसके बाद जो लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की पारी, फिर हरभजन सिंह की गेंदबाजी, लेकिन ये टेस्ट मैच भारत की क्रिकेट की तस्वीर को बदल सकता है। वो कैसे बदल सकता है, क्योंकि आप 36 ऑल आउट हुए थे, आप 36 ऑल आउट हुए थे, विराट कोहली नहीं थे, ईशांत नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं, मोहम्मद शमी नहीं, उमेश को भी चोट लग गई, लेकिन एक कैरेक्टर जो जिस तरह से मदन जी ने बात की, जो अजिंक्य रहाणे ने दिखाया है, दो तरह के कप्तान होते हैं क्रिकेट की समझ मदन जी, वो जाहिर तौर पर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं आपको होती है, कंडीशंस को पहचानना, सिचुएशंस को पहचानना, एक कप्तान की वहां पहचान है, लेकिन बड़ी चीज है लीडरशिप। दो तरह के लीडर, एक शायद विराट कोहली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं करके दिखाता हूं, अजिंक्य रहाणे ने सिर्फ करके दिखाया बल्कि उन्होंने बाकियों से भी करवाया। एक लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी शायद यह भी है, खुद तो करूंगा बाकियों से भी करवाऊंगा। नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई दी है, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने फ्रंट पे आगे लीड किया और लीड किया और परफॉर्मेंस भी उसके साथ साथ अपने जितने भी बाकी खिलाड़ी को उनको एक मैं समझता हूँ कि एक आत्मविश्वास दिया कि ये टेस्ट मैच हम जीत सकते हैं। उनका सबसे अच्छा ये लगा कि उन्होंने बड़े कूलली और कामली जो मैच को रीड किया और उसे उसी के हिसाब से
वो प्रोग्रेस करते चले गए, उनको पता था कि कैसे ये मैच को जीता जा सकता है, पर ये है कि जो भी उन्होंने डिसाइड किया अपने ड्रेसिंग रूम में वो उन्होंने अंदर जाकर प्लान जो है एग्जीक्यूट किया प्लानिंग, तो यही दर्शाता है कि जो भारतीय टीम की जो स्थिति इस वक्त है ये ऐतिहासिक जीत इसलिए भी है कि आपने मेलबर्न में जीता है ये टेस्ट मैच, और एक कंडीशन देखिए कैसे थे, कंडीशन पेस बॉलिंग के लिए बहुत ही अच्छे कंडीशन थे और क्वालिटी बॉलिंग के गेंस उन्होंने बैटिंग की और अपनी टीम को जिताया, तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि जितनी ज्यादा अजिंक्य रहाणे की तारीफ की जाए एज ए लीडरशिप और एज ए बैट्समैन, देखिए इनके साथ भी बैटिंग इनके चांस इनको कभी चांसेस मिलते हैं कभी नहीं भी देते, साउथ अफ्रीका में भी इनको ऐसा हुआ कि एक पहले टेस्ट मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया, फिर दूसरे टेस्ट मैच जब आए उन्होंने मैच जिताया, तो ये सब जब बैट्समैन होता है प्लेयर होता है उसके मन में रहती है कि मैं कर दिखाऊंगा, ये जज्बा उनमें है हमेशा, वो उन्होंने फोकस किया। मदन जी जीत के पांच बड़े हीरोज हैं लेकिन शुभमन गिल की मैं बात करना चाहूंगा, 35 नॉट आउट पहली पारी में 45 रन, इस खिलाड़ी में क्या दिखता है आपको? लेकिन मदन जी मैं बात कर रहा था आपसे शुभमन गिल की, 45 रन 35 नॉट आउट क्या दिखता है आपको? शुभमन गिल के बारे में अगर आप मेरे से पूछे तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ एक नॉक जब बड़ी खेलेगा तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा, उन्होंने जो झलक दिखाई है पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में देखिए उनके पास क्वालिटी है, और उन्होंने जो जो जैसे बैटिंग की है उन्होंने अपना डिफेंस भी दिखाया है और उसके साथ साथ उन्होंने अटैकिंग शॉट्स भी खेले हैं, ये उनकी खासियत रही है, उन्होंने ये नहीं देखा कि एक बॉल बीट हो गया उसे वो कोई आप, ये नहीं हुआ कि वो कहीं भाई मेरा बॉल बीट हो गया और मैं कोई शॉट खेलने शुरू कर दूं, पर उन्होंने एक टेम्परामेंट जिसको क्रिकेट में कहते हैं वो दिखाया है वहां पर खड़े रहने का, तो ये ज्यादा दूर नहीं है, वो एक बड़ी पारी जब वो खेल देगा तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना बड़ी पारी खेल के एक प्लेयर बनने का वो उनमें ज्यादा दूर नहीं है मेरा मेरे विचार में, जो इन्होंने हमने दोनों इनिंग्स इनकी देखी है। अश्विन जडेजा मंजी रविचंद्रन अश्विन जिस तरह से इस सीरीज में गेंद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए रविचंद्रन अश्विन ने जो गेंद किया है बड़ी मछोटी दिखाई है, वैसे तो वो है ही वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर, पर इस टेस्ट मैच में और पिछले टेस्ट मैच में जैसे उन्होंने बॉलिंग की है मैं समझता हूँ कि एक एक जैसे कल हरभजन भी कह रहे थे कि उन्होंने गेंद को थोड़ा सा धीमे किया है, फ्लोट थोड़ा सा गेंद को फ्लाइट भी किया और स्पिन भी ज्यादा करा, मैक्यूटर लाइन लेंथ थी उसमें भी उन्होंने बहुत ही कंट्रोल रखा और उसने बिल्कुल साथ निभाया है इस टेस्ट मैच में, और गेंद तो यहाँ पे टर्न भी कर रहा था पर विकेट्स लेना बड़ा एक आर्ट होता है, और उसने ये पेस बॉलर के साथ मिलकर जो प्रेशर डाला है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के ऊपर मैं समझता हूँ कि उसकी बदौलत ही हम ये जो टेस्ट मैच है हम जीते। मतलब दो खबरों पर नजर रहेगी, भारत ने इस मैच को जीत लिया है लेकिन आज एक खबर आएगी और दूसरी खबर शायद कल पता चलेगी, आज की खबर यह है कि तीसरा टेस्ट मैच क्या वो सिडनी में ही होगा तय शेड्यूल के मुताबिक या फिर उसको मेलबर्न में मूव किया जाएगा क्योंकि वहां पर क्वींसलैंड ने जो बॉर्डर बंद कर दिए शायद सिडनी में टेस्ट मैच वो करा नहीं पाएंगे, मेलबर्न में अगर होता है तो भारत को फायदा होता है, और दूसरी बड़ी खबर कल शायद आपको पता चलेगी जब रोहित शर्मा टीम के साथ जुड़ेंगे उनका फिटनेस टेस्ट होगा कि क्या वो अगले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल है। देखिए क्या है कि रोहित शर्मा का जुड़ना टीम के साथ मैं समझता कि और ज्यादा भारतीय टीम मजबूत दिखाई देगी क्योंकि देखिए बहुत अच्छे बैट्समैन है, बाकी टेस्ट मैच से देखिए अगर वो सिडनी में भी टेस्ट मैच होता वहां भी हमें एडवांटेज होता क्योंकि वहां भी सिडनी में भी गेंद काफी टर्न करता और गेंद पेसर के लिए भी काफी अच्छी है सिडनी की, बट अब जो टेस्ट मेलबर्न में अगर वो टेस्ट मैच शिफ्ट करते हैं तो भारतीय टीम के लिए और ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उन्होंने इस विकेट्स के ऊपर मैच खेल चुके हैं और उनको उन्होंने मैच जीता भी है और उनको आइडिया होगा कि कैसे इसका विकेट का बाउंस कैसा है, तो थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि बैटिंग करने में कंडीशन थोड़ी आसान लगती है और बॉलर्स को भी लगता है कि मैंने कहाँ पे पिच करना गेंद को और कहाँ से मिलको ये गेंद रन हो सकता, तो जिससे ये सारा एडवांटेज अगर मेलबर्न में पैच शिफ्ट होता है भारतीय को एडवांटेज काफी रहेगा। ये चार तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, रहाणे 112 सेकंड इनिंग में 27 नॉट आउट, बुमराह ने देखिए कितनी जबरदस्त गेंदबाजी की है,
उनका खौफ है। मेलबर्न में ही दरअसल पिछले दौरे में उन्होंने भारत को मैच जिताया था। यहां पर भी जडेजा ने बल्ले के साथ, गेंद के साथ, फील्डिंग के साथ। मोहम्मद सिराज की 5 विकेटें हैं, रविचंद्रन अश्विन की भी 5 विकेटें हैं। दरअसल अश्विन का ही हवा स्टीवन स्मिथ पर ऐसा बना हुआ है कि पहली दोनों पारियों में उन्होंने आउट किया, सेकंड इनिंग में अराउंड द लेग्स, ये देखिए बोरा की गेंद पर वो कैसे बोल रहे हैं। डेविड वार्नर का ना होना मदन जी, ये भारत के लिए क्या लेकर आता है? क्योंकि कहने को हम भी कह सकते हैं कि रोहित शर्मा नहीं है, विराट नहीं है, ईशान नहीं है, शमी नहीं है, लेकिन डेविड वार्नर का ना होना किसका फिर गांधी फिर क्वेश्चन करना जी, क्या कर रहे हैं आप? मैं कह रहा डेविड वार्नर का ना होना इसने भी भारत के लिए बड़ी अच्छी खिड़की खोली है, क्योंकि उनके बिना ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम बड़ी कमजोर दिखती है। नहीं देखिए, बड़ी कमजोर दिखती भी है और उनका लगता नहीं है कि उनमें कोई आत्मविश्वास दिखा भी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या हुई है, भारतीय टीम ने क्या किया है, जो उनके टॉप के बल्लेबाज है लबु जैन और स्मिथ को जब वह दोनों को आउट कर लेते हैं तो फिर इनकी ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है ये स्ट्रगल ही करती जा रही है। और क्या है कि जो प्लानिंग की है भारतीय टीम ने ये स्मिथ और लबु जैन के बैटिंग के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे अच्छी प्लानिंग है, क्योंकि आपके टॉप के बल्लेबाज जब आउट होते हैं तो जो टीम बाकी बल्लेबाजों के ऊपर वो एक पैनिक क्रिएट होता है। तो ये भारतीय टीम ने जो स्टडी करके और प्लानिंग की है, मैं समझता हूँ कि इसकी भी मैं तारीफ करूंगा बहुत। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर वो मैच जिताने वाला रन, और कहते हैं ना पोएटिक जस्टिस कि वो कप्तान के बल्ले से ही निकल कर आया। ये अजिंक्य रहाणे आज कप्तानी कर रहे हैं, उनकी कप्तानी में भारत ने मैच जीत लिया, उन्होंने 100 रन भी बना दिए, हर तरफ तारीफ हो रही है। लेकिन लोग भूल रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन थे, उनको इस टीम मैनेजमेंट ने कई बार ड्रॉप भी किया था, ड्रॉप भी हुए थे, उनका कॉन्फिडेंस भी गिरा था। और शायद इस मैच से पहले यह भी लग रहा था कि अजिंक्य रहाणे को अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीके से निभाना होगा, अपनी जगह बचाने के लिए भी वो एक स्टेज पर खेल रहे थे। पुजारा ने रन नहीं बनाए, लेकिन अजिंक्य रहाणे की कप्तानी मदन जी ऑलरेडी कंपैरिजन होने शुरू हो गए हैं इंडिया में, तो आपको पता ही है सोशल मीडिया पर झट से कह देते हैं चलो अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना दो, विराट को हटा दो। लेकिन इस कंपैरिजन को आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, कंपैरिजन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड जो है 100% है, उन्होंने लास्ट 2 टेस्ट में जो भी कैप्टनसी की थी और आप जो इस मेलबर्न टेस्ट मैच में की है उनका रिकॉर्ड भी 100%। पर सबसे अच्छी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास लीडर है विराट कोहली के, अगर विराट कोहली को देखिए अब नहीं खेल रहे तो एक लीडर आपके पास पहले ही एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है, तो ये एडवांटेज भारत को है। तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय टीम के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको किसी चीज की कमी नहीं खेले, कई बार खिलाड़ी इंजर्ड भी हो जाते हैं, कई बार वो खेल नहीं पाते, तो उससे ये है कि आपके पास कोई ना कोई तो ऐसा है ना जो आप कह सकते हैं नहीं ये खिलाड़ी जो है लीड कर सकता है। तो आप जितनी ज्यादा तारीफ की जाए, मैं तो उनकी तारीफ इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ कि उनका जो फील्डिंग प्लेसमेंट थी, उनका जो अटैकिंग था, आज भी जो उन्होंने किया है सुबह आकर बॉलर से करवाया है वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि प्लानिंग जो हम कल बात कर रहे थे कि शॉर्ट पिच गेंद करना जरूरी है, आज उन्होंने शॉर्ट पिच भी किए पर उसमें गेंद आगे भी रखा, इसी की वजह से ठीक। देखिए इतने रन तो 30-40-50 रन तो बन ही जाते हैं, क्योंकि टेल जब खेलना शुरू करती है कभी गेंद बीट भी होता है काफी बार, पर यह है कि जो प्लानिंग थी सुबह की वो भी उन्होंने बहुत बेहतरीन की हुई थी और उनको पता था कि हमने ये ज्यादा रन नहीं बनने देने, तो 100% मैं समझता हूँ कि अजिंक्य रहाणे की बात तो होगी, जब आप अच्छा करेंगे तो बात तो होगी सोशल मीडिया में, क्योंकि हमारे दर्शक भी जो है बड़े पैशनेट है, तो उनको भी क्रिकेट के बारे में काफी मालूम होता रहता है। नहीं, लेकिन रहाणे ने ये बताया कि कप्तान के तौर पर वो 19 नहीं है, कप्तान के तौर पर वो 19 नहीं है। हर कप्तान का एक अलग तरीका होता है, हर कप्तान अलहदा होता है, शायद विराट की अग्रेशन उनकी ताकत है, शायद अजिंक्य रहाणे को आप कप्तानी करते देखे तो धोनी की याद आती है, क्योंकि अग्रेशन उनकी सोच में है लेकिन शायद बर्ताव में नहीं है। और जो अच्छी बात दिखी है वो है कि आपके खिलाड़ी सारे के सारे खिलाड़ी जो थे वो कहते हैं ना कि अगर विराट नहीं है तो मैं 100% की बजाय 105% देता हूँ, क्योंकि जब एक बड़ा खिलाड़ी आपके ड्रेसिंग रूम में नहीं होता तो आप ये कोशिश करते हैं कि उसकी कमी को किस तरह से वो जो
दरिया है उसको पार पाना है, लेकिन रहाणे ने बैटिंग जबरदस्त की है। पुजारा की फॉर्म आपको कुछ चिंता का सबब बनती है? नहीं, चिंता का सबक तो नहीं बनती, क्योंकि देखिए ऐसा क्रिकेट में होता भी है, आप कई बार आपको अच्छा गेंद पड़ जाता है, पर पुजारा जैसे खिलाड़ी है, जैसे वो अपनी प्रिपरेशन करता है, तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली वो बड़ा नेक्स्ट टेस्ट मैच में वो भी बड़ा अच्छी बैटिंग करने की कोशिश भी करेंगे। पर यह है कि अब तक जितनी भी क्रिकेट हुई है, मैं समझता हूँ कि भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला, चाहे टेस्ट मैच पहला टेस्ट मैच में भी अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने, ठीक है एक दिन उनका खराब गया, पर इस टेस्ट मैच में चारों दिन भारतीय टीम ने जो है डोमिनेट किया है। और अजिंक्य रहाणे की आप कैप्टन पूल की तरह बात कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी की तरह, देखिए हर खिलाड़ी का अपना एक सोचने का ढंग और अपना एक प्लानिंग करने का ढंग, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कोई 20 आता ये भी 20 से कम नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है भारतीय टीम के लिए। रोहित शर्मा अगर कल अपना फिटनेस टेस्ट पास करते हैं, क्योंकि उनका आज क्वारंटीन खत्म होगा, वो कल टीम के साथ जुड़ेंगे, टीम के बायो बबल में जाएंगे, उनका फिटनेस टेस्ट होगा, फिटनेस असेसमेंट होगी, अगर वो पास करते हैं तकरीबन 5-7 दिन उनके पास होंगे मदन जी बैटिंग करने के लिए, क्या आप उनको अगले टेस्ट मैच में खिलाने का रिस्क लेंगे? हाँ, मैं ना विक्रांत जरूर लूंगा, रिस्क नहीं है, मैं उनको खिलाऊंगा जरूर। मयंक अग्रवाल की जगह? हाँ जी, मयंक अग्रवाल की जगह? हाँ, मयंक अग्रवाल की जगह, क्योंकि अगर आपने मयंक अग्रवाल को बैटिंग करते देखा है पहली और दूसरी इनिंग में, तो मेरे को उतना ज्यादा उनका वो आत्मविश्वास नहीं दिखा रहे। आज भी जैसे उन्होंने बैटिंग की, ऐसे लग रहा था कि अभी आउट हो जाएंगे, तो आपको एक सॉलिड बल्लेबाज चाहिए, ठीक है वो अच्छा बैट्समैन है, मैं नहीं कहता कि अच्छा बैट्समैन नहीं है, पर कई बार आउट ऑफ फॉर्म होता है, देखिए 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं, उन्होंने कोई इतना ज्यादा नहीं दिखाया कि आत्मविश्वास, जिससे कि वो अपनी अपनी जगह को मजबूत कर पाए। पर रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी बाहर नहीं बैठना चाहिए, अगर वो फिटनेस टेस्ट मैच उन्होंने पास किया तो आपको उनको खिलाना बड़ा जरूरी है उनके लिए। उमेश यादव के बाहर होने के पूरे पूरे इम्कान है कि हो सकता है वो सीरीज से बाहर हो जाए, वो आपको डराता है, क्योंकि आपके पास शमी भी वापस आ गए, उमेश भी अगर बाहर हो जाएंगे तो तेज गेंदबाज, फिर दिक्कत आ सकती है आपसे? हाँ, दिक्कत तो आ सकती है, देखिए जो भी खिलाड़ी बाहर जाता है, जो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी बाहर जाता है, तो उसे दिक्कत तो आती है, पर सरदार ठाकुर भी मैंने जो उनको देखा है, वो भी एक अच्छा बॉलर है, देखिए एक जैसे कोई बाहर जाता है किसी दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी आती है, तो जो दूसरा खिलाड़ी सरदार ठाकुर आएगा वो भी अच्छा परफॉर्म करना चाहेगा, जैसे मोहम्मद सराज ने किया, आज मेरे को अपना अच्छा विकेट लगाऊंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बेहतरीन गेंद की इस मैच में, उन्होंने 5 विकेट निकाले, तो ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए तो भारतीय बॉलर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, मैं समझता हूँ चारों बॉलर की एज ए यूनिट की बात करें तभी जाके प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर आता है।